90 डेज के अंदर आप प्राइमरी केयरर का वीजा किस तरह से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू प्रिपेयर द एप्लीकेशन एंड टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। सो इट्स गोइंग टू बी 90 डेज, और 90 डेज के अंदर आपको करना क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि डेडलाइन ऑफ सबमिटिंग प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन इज 30th of June 2021। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन होगी। अब आपके आपने आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा और प्राइमरी केयरर वीजा है क्या। सम टाइम लोग होता है कि स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, उनकी अपील रिजेक्ट होगी, फैमिली वीजा रिजेक्ट हो गया। अब स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिकंसीडर ना करें, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और एप्लीकेशन में फॉल नहीं करते। सो देयर आर सर्टन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन यू कैन सबमिट। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन। अगर आप प्राइमरी केयरर हैं उसके ब्रिटिश सिटीजन के, और आप स्पाउस हैं ब्रिटिश सिटीजन के, या पेरेंट्स हैं ब्रिटिश सिटीजन के, तो आपने सबमिट करनी है एप्लीकेशन अंडर दिस कैटेगरी। देन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि प्राइमरी केयरर में एक्चुअली प्राइमरी केयरर है क्या। सो सबसे पहले प्राइमरी केयरर के वीजे में आपने ये शो करना है कि आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करना है कि आप बच्चे के साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करें, स्पाउस के साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करें। अब प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करते कैसे हैं, या तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स, जब आप एज ए स्पाउस आपने प्रूफ करना है, देन आपने मैरिज सर्टिफिकेट इनक्लोज करना है, एंड एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इफ दिस इज इन एनी अदर लैंग्वेज यू मस्ट गेट इट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो दूसरी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अभी आपको ये एलिजिबिलिटी भी नज़र आ रही है स्क्रीन पे, आप देखें तो आप देखेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश यूके वीज़े के लिए। उसमें नंबर वन आपके आ जाते हैं फैमिली मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, ब्रदर्स एंड हस्बैंड ऑफ ब्रिटिश वाइफ एज वेल। सो दीस आई मीन काइंड ऑफ पीपल कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन इन दिस कैटेगरी। अब प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में क्या आता है कि अगर प्राइमरी केयरर जो है वो ब्रदर प्राइमरी केयरर है ऑब्वियसली, देन दे आर गोइंग टू प्रूफ दैट दे आर योर ब्रदर, और ब्रिटिश सिटीजन के ब्रदर हैं, उसके लिए बी फॉर्म लगाएं, बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, उसके लिए आप पिक्चर्स स्नैप्स लगाएं, प्रूफ ऑफ सेम हाउस होल्डिंग लगाएं, और इस तरह से आप अपने ब्रदर और सिस्टर्स के रिलेशनशिप को शो करेंगे। अब आप जब एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड की एप्लीकेशन करेंगे, देन आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे और बच्चे के साथ पिक्चर्स, फैमिली पिक्चर्स और बी फॉर्म, इसके अलावा जो अगर आपका नेशनल आईडी कार्ड बना हुआ है तो प्रूफ ऑफ सेम हाउस होल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंडीशन टू बी मेट इन सच एप्लीकेशन यू विल सी इन द स्क्रीन एज वेल। सो कंडीशंस, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस यू विल बी सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन अंडर। आपके आप प्राइमरी केयरर हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। इफ यू आर डायरेक्ट फैमिली मेंबर, फॉर एग्जाम्पल आप पेरेंट्स हैं ब्रिटिश सिटीजन के, या अगर आप जो है वो स्पाउस हैं, देन आपको आप प्राइमरी केयरर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं व्हेन यू आर पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड। सो अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं और आप जो है वो कोई आप लीगल गार्डियंस हैं, आप डायरेक्ट फैमिली मेंबर नहीं हैं, तो फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है लीगल गार्डियन के लिए, देन यू प्रूफ दैट यू आर फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट ब्रिटिश सिटीजन। सो यू सी द डिफरेंस। सो इफ यू आर डायरेक्ट फैमिली मेंबर यू डू नॉट हैव टू प्रूफ दैट यू आर प्राइमरी केयरर, बट यू विल इनक्लोज द प्रूफ ऑफ केयर। प्राइमरी केयरर और केयर में डिफरेंस होता है कि प्राइमरी केयरर आपको प्रूफ नहीं करना होता, लेकिन प्रूफ ऑफ केयर, फॉर एग्जांपल आपको लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज लगाने पड़ेंगे, उसके लिए हम बाद में बात करते हैं। पहले हम आप देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सच टाइप्स ऑफ वीजे के लिए, कि इसमें आपकी 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसमें आपको प्रूफ ऑफ फंडिंग, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और आपको रिपोर्ट्स अकोमोडेशन की नहीं लगानी पड़ती। सो दिस इज गोइंग टू बी योर बेनिफिट। सो सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस यू सबमिट अंडर प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, देन आप उस एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से जब करते हैं, देन यू गेट गारंटीड रिजल्ट। रिसेंटली वी हैव बीन एबल टू विन